मैं अभी अभी कुछ वीडियो देख रहा था कि जिन जिन लोगों ने अपना मतलब मॉक टेस्ट का मार्क्स शेयर किया है, उनको पर्सनल देख के मतलब वरीड हो गए, टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि उनका 99% आ रहा है, 98 आ रहा है, हमारा 70-75 आ रहा है, तो हमारा एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, ये सब सोच के बहुत ही वरीड हो रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि मतलब देखो, आपको वरीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जितने सारे बच्चे वो ना लाते हैं 99, 98, हालांकि मेरी बात भी कर लो, मैं भी लाता हूँ 97, 95, 90, मेरा मार्क में भी 85 आता है, 87 आता है, कभी कभी 80% भी आता है, मतलब मेरा भी परसेंटेज कम होता है, बढ़ता है घटता है, ऐसा होता ही रहता है। और दूसरे से जितने सारे बच्चे बहुत सारे ज़्यादा मार्क लाते हैं, मैं उनको एक बात कहूँगा, क्योंकि वो क्या है कि आप लोग बहुत मतलब बहुत टाइम हो गया प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप लोगों के फंडामेंटल बहुत सारे क्लियर है। ठीक है दोस्तों, और शायद हो सकता है कि आप एग्ज़ाम पॉज करके दे रहे होगे, या फिर आप मतलब कोई चीज़ को स्क्रीनशॉट उठा के उसको दे रहे होगे, ठीक है, और इसलिए आपका मार्क ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दें, जो बच्चे ओरिड हो रहे हैं उन सबको मार्क देकर, भैया मौत, भैया बहन मौत ही ओरिड हो, ठीक है, उनके मार्क आते हैं तो आते हैं, ठीक है, जाने दो। और आप अब अपने आपके फोकस करो, मॉक टेस्ट देते हैं मार्क लेने के लिए नहीं, मॉक टेस्ट देते हैं आपका एक्यूरेसी मेंटेन होना चाहिए, 90% प्लस एक्यूरेसी मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी की वजह से आपको मार्क मिलता है। मैंने 2 साल अभी दिए हैं, मुझे पता है कि मैं जितने भी सारे टेस्ट दिया हूँ सब एक्यूरेसी के साथ ही दिया हूँ, इसीलिए मत मुझे मेरा अटेम्प्ट थोड़ा कम था, लेकिन मुझे हर हर एक एग्ज़ाम पे, हर एक एग्ज़ाम पे जितने सारे दिए हैं उनके 4-5-6 मार्क मुझे बढ़ा चढ़ कर मिला है। और जिन एग्ज़ाम पे मुझे मार्क ज़्यादा नहीं मिला, उस एग्ज़ाम में 1-2 मार्क मतलब मेरा माइनस हुआ है, ज़्यादा माइनस नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक ही बात बोल देना चाहता हूँ कि आप एक काम करो, आप अपने आप के फोकस करो, आपने जितने भी सारे मॉक दिए हैं उन सब कहाँ कहाँ ज़्यादा टाइम चला गया वहाँ पर जाके देखो, और उस टॉपिक को मतलब जितना ज़्यादा हो सके आज ही मतलब निपटाना है। ठीक है, आप जितना है वो उस टॉपिक को ही लिखना है, और कोई नया चीज़ सीखना नहीं है, और एग्ज़ाम पे कैसे अटेंड करना है आपको डिसाइड करना है कि मैं इस क्वेश्चन को इतना टाइम दूंगा, इसे देने के बाद नहीं हुआ तो अगले क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। ठीक है, और जितना है छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको पहले अटेंड करो, जितना बड़े क्वेश्चन है उसको बाद में अटेंड करना है। ठीक है, आप सबको जानते ही होंगे, मैं उस स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं बताऊंगा, बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, आप जाकर देख लोगे। ठीक है, और कोई बात नहीं, वरीड मत हो, क्योंकि अभी वैकेंसी क्या है, हाल ही में वैकेंसी 1500 आई है, उसके बाद मतलब आ सकती है ये 10,000 के पास पास वैकेंसी आ सकती है, अभी 8,500 वैकेंसी है। ठीक है, और 8,500 वैकेंसी है तो उसका 10 टाइम्स मतलब 85,000 का अप्रोक्स स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। ठीक है, और जिनका 70% 75% 77% आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप एक चीज़ पे ध्यान रखो, आपका जो सेक्शनल का मार्क है मतलब इंग्लिश पे 10 ज़्यादा आने चाहिए, और मैथ रीजन में जितना भी ला सकते हो, मतलब 50 के अराउंड पास मार्क ले आना, हो जाए क्लियर, क्योंकि पिछले साल जो मार्क आए थे, पिछले साल मतलब वैकेंसी कम थे और पिछला जो कट ऑफ था 50 था। ठीक है, और मैं सोचता हूँ इस साल शायद जाके 55 के अराउंड होगा, क्योंकि पेपर्स इस साल बहुत सारे इजी आ रहे हैं, RRPO देख लो, IPS क्लरिकल तो इजी आता है, और जितने भी सारे मेंस के पेपर देख लो, मेंस के पेपर तो RRPO के बहुत इजी आए हैं। ठीक है, और इसलिए मैं ये वो बता रहा हूँ कि इस साल कट ऑफ भी कम ही जाएगा, 50 से 55, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, और वैकेंसी क्योंकि ज़्यादा है, आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, और टेंशन मत लीजिए, आराम से जाके कल पेपर दीजिए, जिन सबका कल एग्ज़ाम है उन सबको बेस्ट ऑफ लक, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, जो भी जितना मार्क रखता है रखने दो, आप अपने आप को फोकस करो, दूसरों को देखोगे तो खुद को वरीड होगे। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात अगर कहना चाहता हूँ आपको, आप आराम से जाके एग्ज़ाम दो, ठीक है, आराम से क्लियर होगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आपका ख्याल रखिए। ठीक है, एग्ज़ाम जाके दीजिए। ठीक है।